हेलो एवरीवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में पीजी कोर्सेज का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है सेसन 2024-25 के लिए पीजी कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है ये रजिस्ट्रेशन आपका 21 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये सारी चीज़ आज की स्टूडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कौन कौन सा टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में इसके बाद हम देखेंगे कि जो भी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा उसका क्या डेट दिया गया यानी कि फर्स्ट राउंड का कट ऑफ़ कब आएगा सेकेंड राउंड का कट ऑफ कब आएगा थर्ड राउंड का कट ऑफ कब का आएगा ये सभी डेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन फी आपका कितना लगने वाला है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको सी में कौन सा पेपर की ज़रूरत है कौन से कोड वाले पेपर का जरूरत है उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं तो सभी चीज़ आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दी जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो आइए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को फिर वहां सब चीज़ डिस्कस करेंगे आप ये देख सकते हैं ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है अट्ठारह अप्रैल को ये जारी किया गया था इसमें क्लियरली मैंशन किया गया है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो है इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 21 चार 2024 से स्टार्ट कर दिया गया है अब हम इसका इंपॉर्टेंट डेट सबसे पहले देख लेते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हम बता देते हैं आपका रजिस्ट्रेशन फी के बारे में तो जो भी बच्चे जनरल ओ और ई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको फाइव हंड्रेड रजिस्ट्रेशन फी लगेगा वहीं जो एस सी एस टी और पी डब्ल्यू डी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 200 हंड्रेड यानी कि टू हंड्रेड रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा और जो डेट है ये 21 चार से लेकर 30 चार तक रजिस्ट्रेशन का दिया गया है काफ़ी कम समय दिया गया है तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इसी के बीच में अपना अपलिकेशन फिल कर दे इस यूनिवर्सिटी में अब इम्पॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर क्या दिया गया है आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि यहाँ पर तो ये तो रजिस्ट्रेशन का आपका दिया गया है कि इक्कीस चार से लेकर तीस चार तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा इसके बाद से जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा ये आपका 9 मई को आ जाएगा और जो भी मतलब बच्चे का नाम उसमें आएगा उनको फ़ी करने का फ़ी पे करने का जो डेट दिया गया है वो नौ पाँच से लेकर तेरह पाँच तक दिया गया यानी कि पाँच दिन का ये डेट दिया गया है तो इसी के बीच में अपना वो फी डि डिपॉजिट करेंगे और अगर वो फी डिपॉजिट नहीं करते हैं तो उनका नाम हटा दिया जाएगा मेरिट लिस्ट में उनका एडमिशन प्रोसेस कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर सेकेंड लिस्ट रिलीज किया जाएगा ये सेकेंड लिस्ट जो है वो सत्रह मई को रिलीज किया जाएगा और इसका फी पे करने का डेट है सत्रह मई से लेकर तेईस मई तक इसी प्रकार से थर्ड लिस्ट भी आएगा अगर सेकेंड लिस्ट में सीट खाली रह जाता है तो इसका डेट है 30 मई को आएगा और इसका जो फी पे करने का डेट है वो 30 मई से लेकर 2 जून तक दिया गया है इसी प्रकार से आपका फोर्थ राउंड का भी एडमिशन होगा अगर थर्ड राउंड तक सीट खाली रहता है तो इसका डेट आपका सात छः दिया गया है और जो फी पे करने का डेट है ये सात छः से लेकर दस छः तक है और जो फाइनल लिस्ट होगा यानी कि जो जो बच्चे का एडमिशन हो गया उनका जो लिस्ट है वो पंद्रह जून तक रिलीज कर दिया जाएगा इसके अलावा इसमें और भी काफ़ी सारा क्वेरी दिया गया जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को किसी रि, ए, के रिगार्डिंग मतलब क्वेरी है ग्रीवांसेस है तो वो इस नंबर पर आपका डायल कर सकता है ये नंबर आपका दिया गया है इसी से आपका बात होगा इस यूनिवर्सिटी में इसके अलावा अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपका इसका जो मतलब दिया गया है एडमिशन क्राइटेरिया इसके बारे में जैसे कि मान लीजिए कि आप सी का एग्ज़ाम दिए हैं किसी कोर्स में अब हम डिस्कस उसको करेंगे कि आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल है सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे इस कॉलम में डिग्री का नाम दिया है यहाँ पे नेम ऑफ द प्रोग्राम दिया है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सीट है और यहाँ पे सी ई टी में वो पेपर का कौन सा कोड आपको चाहिए तो आप इस चीज़ को पहले समझ लीजिए अगर कोई बच्चे एम में एडमिशन लेना चाहते हैं एम कॉम कॉमर्स में तो उनको सी में सी ओ क्यू पी जीरो एट का पेपर अगर उन्होंने दिया है तो वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल है यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हैं साथ ही साथ आपको जिस कोर्स को लेना होगा एडमिशन उसका आप स्क्रीन शॉट लीजिए इतना का मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ूंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा मैं सिर्फ कोर्स और उसका सी में कौन सा कोड चाहिए इसको डिस्कस करते हैं वैसे ही कोई बच्चे एम इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन बच्चों को सी ओ क्यू पी वन जीरो का पेपर चाहिए सी में कोई बच्चे एल कोर्स में लेना चाहते हैं ये वन ईयर का कोर्स होता है इसका नंबर ऑफ़ सीट थर्टी एट है और इसमें सी ओ क्यू पी वन फोर कोड चाहिए इसी प्रकार से कोई एम एड कोर्स करना चाहते हैं इसमें सिक्सटी थ्री सीट है और इसका कोड है सी ओ क्यू पी वन फाइव कोई बच्चे एम ए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका सीट है थर्टी फाइव और इसमें पेपर चाहिए सी ओ क्यू पी वन सेवन ये सी वी टी में पेपर चाहिए इसी प्रकार से कोई फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन बच्चों को कोड चाहिए सी वी टी में सी ओ क्यू पी वन एट वही बच्चे एम ए एम एस सी जोग्राफी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनको सी वी टी में एच यू क्यू पी जीरो एट का कोड चाहिए इसी प्रकार से एम ए हिस्ट्री के लिए एच यू क्यू पी जीरो नाइन का चाहिए एम ए पोलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के लिए एच यू क्यू पी वन एट का कोड चाहिए सी वी टी में इसी प्रकार से एम ए एम एस सी साइकोलॉजी का जो कोर्स है इसके लिए एच यू क्यू पी टू जीरो चाहिए वैसे ही सोशल वर्क के लिए एच यू क्यू पी टू वन का आपका कोड चाहिए सीवीटी में इसी प्रकार से एम सोशियोलॉजी के लिए है आपका एच यू क्यू पी डबल टू वैसे ही केमिस्ट्री के लिए है एस सी क्यू पी जीरो एट एम एस सी के लिए है एस सी क्यू पी वन फोर इंग्लिश के लिए है एल ए क्यू पी जीरो वन हिंदी के लिए आपका है एल ए क्यू पी जीरो टू और एम एस सी कंप्यूटर साइंस जो है इसके लिए आपका है एस सी क्यू पी जीरो नाइन वैसे ही एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कोर्स है इसके लिए आपको चाहिए एस सी क्यू पी जीरो नाइन और वैसे ही नेक्स्ट कोर्स है एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस सबसे पहले हम इस दो कोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ये आप देखिए एमएस सी कंप्यूटर साइंस और एम एस सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काफी अच्छा कोर्स है और इसके लिए आप यहाँ पे देखिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है इसमें यह है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी विथ कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि ये तीनों में से कोई भी कोर्स अगर बैचलर में किए हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और इस दोनों का सीवी में पेपर कोड भी सेम ही है तो ये काफ़ी अच्छा कोर्स है इस यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं जो बच्चे मतलब बी वगैरह किए हैं एम सी ए किए हैं वो बच्चे यहाँ पे एडमिशन इसमें ले सकते हैं बी वाले भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं नेक्स्ट वैसे ही एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस के लिए आपका कोड चाहिए एस सी क्यू पी वन वन एम एस बायोटेक्नोलॉजी के लिए एस सी क्यू पी वन सेवन है और एमएससी लाइफ साइंस के लिए एस सी क्यू पी वन सेवन है और एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स इसके लिए भी एस सी क्यू यानी कि ये एक पेपर कोड से यहाँ पे तीन कोर्स में यहाँ पे एडमिशन हो सकता है वैसे ही यहाँ पे सी मैथमेटिक्स के लिए है एस सी क्यू पी वन नाइन और फार्मलॉजी के लिए क्या है यहाँ पे आपको एस सी क्यू पी टू थ्री है वैसे ही आपका एम फार्म यानी कि फार्मास्यूटिक्स के लिए क्या है एस सी क्यू पी टू थ्री है एमएससी फिजिक्स के लिए है एस सी क्यू पी टू फोर और एमएससी स्टैटिक्स के लिए है आपका एस सी क्यू पी टू सेवन अब एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे कोर्स है मास्टर इन डाटा साइंस एंड ये है साइंस एंड का कोर्स ये भी काफी अच्छा है। इसके लिए आपको एस सी क्यू पी टू सेवन का कोर्स आपको यानी कि सीवीटी में ये अगर पेपर दिए हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं तो ये लिस्ट ऑफ कोर्सेज था ट्वेंटी एट कोर्सेज इसमें ऑफर की जा रही है इसके अलावा और भी काफी सारा नोटिफिकेशन दिया गया है आप इसके जब ऑफिशियल वेबसाइट के एडमिशन सेक्शन में आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला एडमिशन नोटिफिकेशन है इंटेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फी स्ट्रक्चर भी इसमें मेंशन किया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे इसके बारे में भी बताया गया है अंडरटेकिंग क्या है इसके बारे में भी बताया गया है और यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई लिंक पर क्लिक करके आप इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं डेडलाइन दिया गया है कि आठ दिन का डेडलाइन बचा हुआ है तो जो भी बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो बच्चे यहाँ पर जल्द से आके अपना अपलिकेशन फॉर्म फिल कर दे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा फिर यहाँ पे जैसे जा मान लीजिए हम यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिलता है एडमिशन का जैसे कि यहाँ पे नीचे भी स्क्रॉल कीजिएगा यहाँ पे एडमिशन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव इज लाइफ इस पर आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे एडमिशन वाले सेक्शन में आ जाइएगा एडमिशन सेक्शन से यहाँ पे आपको अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली तो ये था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन से रिलेटेड ये वीडियो इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है एडमिशन से रिगार्डिंग तो आप अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप किसी और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप उसके बारे में भी आप हमसे कमेंट में पूछिए मैं उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय